गिर, साहिवाल, थारपारकर और बद्री नस्ल की देसी गायों की इस गौशाला ने बिजनेस का वो अनोखा मॉडल तैयार किया है जिस पर काम करके देश के किसी भी कोने से गोवंश आधारित बिजनेस किया जा सकता है। हेता A2 मिल्क के साथ दूध के उत्पाद और आयुर्वेदिक पंचगव्य औषधियों पर काम करती है। हेता गौशाला की 3 यूनिट हैं, जहां करीब 1000 गोवंश हैं। दूध, घी, मक्खन के अलावा गोवंश आधारित 120 तरह के वेलनेस यानी के स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट यहां बनाए जाते हैं। ये गौशाला साल में 6 करोड़ का टर्नओवर करती है। ये वही गौशाला है जिसे साल 2018 में डेयरी के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड मिला, तो साल 2022 में स्टार्टअप ऑफ द ईयर का सम्मान भी मिल चुका है। हेता के फाउंडर और CEO हैं असीम रावत, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हैं, कई बड़ी कंपनियों में काम भी किया है, 25 से ज्यादा देश घूम चुके हैं, लेकिन अब उनकी पहचान एक देसी गौपालक, एक सफल उद्यमी और गौ प्रेमी के रूप में है। हेता और असीम रावत के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ की दूध निकालने की प्रक्रिया देख लीजिए। जय घोष बोलने का ये मतलब होता है सर, सभी गायें अपना अपने सावधान हो जाती हैं, एक सावधान मुद्रा में आ जाती हैं कि वो दूध देने के लिए अब रेडी हो गई हैं। ये हेता की हिंडन एयरपोर्ट से सटे सिकंदरपुर गांव की गाजियाबाद यूनिट है। गायों का दूध निकालने से पहले रोज ऐसे ही जय घोष होता है। ये दूध देने के लिए गायों के प्रति आभार और उनके लिए मिल्किंग का अलार्म भी है। हेता की गाजियाबाद के अलावा बुलंदशहर और उत्तराखंड में भी एक यूनिट है। बुलंदशहर में गौशाला की बुजुर्ग गायों और नंदी के उत्पादों से जैविक खेती होती है। इस गौशाला की एक भी गाय या गोवंश छुट्टा नहीं छोड़े जाते, वो अंतिम दिनों तक यहीं रहते हैं। हेता में गायों के पोषण पर बहुत ध्यान दिया जाता है। ये जो चारा है इसमें गन्ना, ज्वार और इसके अलावा आपका दूधी यानी कोई भी पाउडर सीजनल आता है वो साथ में कट किया जाता है। तो खासियत ये होती है कि हम ये तो सभी काउस को दिया ही जाता है, गन्ना या ये चीज़ें अच्छी होती हैं, इसमें ग्लूकोज होता है ना, ज्वार भी काफ़ी इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, काफ़ी बेहतर चारा माना जाता है। इसके अलावा हम अपने यहाँ गौशाला में गायों को चकुंदर या आपकी गाजर सीजनल पाउडर में जो भी अच्छा आता है, जैसे पम्पकिन हो गया, मेलन हो गया, वाटर मेलन हो गया, तो वो सीजन वाइज दिया जाता है। अभी ज्वार गन्ना अच्छा चल रहा है तो वही हम दे रहे हैं। पूरा पूरा गन्ना देते हैं, मतलब गन्ना काट पूरा पूरा गन्ना दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि गन्ने के हर पार्ट में यानी ज़्यादा बेहतर जब ही होगा वो जब पूरा होगा। हेता असीम रावत का एक सपना है जिसे उन्होंने अपने परदादा के नाम पर शुरू किया। देसी गायों के लिए अपने चमकदार और लाखों की सैलरी वाला IT सेक्टर छोड़ने वाले असीम रावत ने देसी गायों की बदौलत हेता को एक ब्रांड बना दिया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर असीम रावत का जन्म गाजियाबाद में CPWD में सिविल इंजीनियर के घर हुआ। शुरुआती पढ़ाई लखनऊ के लामोर्टिनियर से हुई, आगरा के RBS कॉलेज से कंप्यूटर साइंस और हैदराबाद स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से उच्च पढ़ाई करने वाले असीम के मुताबिक उन्होंने देखा कि देश में गाय गाय चिल्लाने वालों के पास बहुत कम जानकारी और आंकड़े हैं। लोग सिर्फ दूध पर बेस्ड रहते हैं और फिर घाटे का बिजनेस करते हैं। सिर्फ मिल्क पे ही फोकस नहीं करना है, मिल्क के अलावा जो मिल्क प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स से कहा जाता है, वो आप बनाइए तो वो आपकी जो है प्राइसिंग बेटर होगी उसकी, और आप को थोड़ा फ़ायदा रहेगा, संस्था को रन करने में जो है मुश्किलात कम होंगी। गोबर गौमूत्र का यूज़ करिए, गोबर से मैन्योर बनता है, गौमूत्र से भी आप बहुत सी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जिसमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है, तो उनको बनाने की कोशिश करिए। आइडिया ये है कि जो भी गाय देती है उसका यूज़ हो। ब्रीडिंग पर ध्यान दीजिए, ऐसा ब्रीडिंग पे बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, उनके यहाँ जो प्रजनी होती है बच्चे होते हैं या तो मर जाते हैं
या जो ब्रीडिंग बुल होते हैं उनके बारे में वो उतना ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक फ्लॉ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप छोटी छोटी चीज़ें अगर अपने जहन में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, सोच में रखेंगे तो आप सफल होंगे। असीम के मुताबिक गायें आपको बहुत कुछ देती हैं, उनके तो आसपास रहने से भी खुशी मिलती है। ये आपको देखना है आप कैसे उनका प्रयोग करते हैं। असीम के मुताबिक गायों के दूध, पंचगव्य, पंचगव्य औषधियों की खूबियां तो सदियों से दुनिया जानती है। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत ने कितना कुछ लिखा है। हेता में उन्होंने इसी ज्ञान को आधार मानकर प्रोडक्ट तैयार किए हैं जो दुनिया भर में भेजे जाते हैं। इन प्रोडक्ट्स का बाकायदा लाइसेंस और ट्रेनिंग ली है। हेता तीन तरह से मुख्य रूप से काम करता है। A2 दूध, जो बाइक के जरिए कांच की बोतलों में लोगों तक पहुंचाया जाता है। A2 दूध के उत्पाद जैसे खोया, छाछ, मक्खन, जो लोगों की मांग के अनुसार तैयार होते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद और पंचगव्य आधारित औषधियां, जबकि तीसरा सर्टिफाइड जैविक फार्म, जहां गोबर और गौमूत्र के प्रयोग से जैविक खेती की जाती है। गौमूत्र से हम लोग काफी सारी चीजें बनाते हैं, पंचगव्य मेडिसिन बनती हैं, खेती के लिए जीवामृत है, बीजामृत है, इन सब चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है। गोबर जो है उसमें लकड़ियाँ बन जाती हैं, ईंधन का काम में यूज़ होता है वो, तो गैस की या आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है। और खाद और मैन्योर तो वो है ही है, उस अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको यूरिया, DAP इन सब चीज़ों की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, गौधारित कृषि। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पाद करने वाला देश है और डेयरी सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं। भारत में अब अलग पशुधन मंत्रालय है, कई तरह की योजनाएं और ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं हैं। बहुत सारे लोग डेयरी गौशाला चलाते हैं लेकिन वैसी सफलता नहीं मिलती है। असीम लोगों को सलाह देते हैं कि वो देखा देखी का काम ना करें। सबसे जरूरी है कि जो काम करना चाहते हैं उसमें आपका इंटरेस्ट हो। दूध पर फोकस ना करें, उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जरूर बनाएं। गायों के प्रजनन और उनके बच्चों पर ध्यान दें। आप में इंटरेस्ट होना चाहिए, जब भी आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं उसको आप सिर्फ फॉलो कर कॉपी करके करते हैं तो वो शायद उतना सक्सेस नहीं देती है। तो हेता में सभी इंटरेस्टेड हैं, जो लोग आते हैं ज्वाइन करते भी हैं। प्रयास ही रहता है कि वो देसी गायों से, इंडिजिनस काउस से, पंचगव्य से जो है उनको कम से कम ये चीज़ महसूस ना हो कि ये उनके लिए गलत करियर है। तो एक ये चीज़ आपका इंटरेस्ट। दूसरा, सिर्फ मिल्क पे ही फोकस नहीं करना है, मिल्क के अलावा जो मिल्क प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स से कहा जाता है, वो आप बनाइए तो वो आपकी जो है प्राइसिंग बेटर होगी उसकी, और आपको थोड़ा फायदा रहेगा, संस्था को रन करने में जो है मुश्किलात कम होंगी। हेता के गौशाला के दरवाजे आम लोगों के लिए खुले रहते हैं। यहाँ गायों को खास तरह से रखा जाता है। असीम कहते हैं कि डेयरी को फैक्ट्री की तरह नहीं चलाया जाता। हमारे कर्मचारियों का गायों से खास रिश्ता है, यही रिश्ता हमारे ग्राहकों से भी है। इसीलिए बिना किसी प्रचार प्रसार के हम अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। खेती किसानी और उससे जुड़े मुद्दों की जानकारी के लिए न्यूज पोर्टली को सब्सक्राइब करें। गाजियाबाद से न्यूज़ पोर्टली की रिपोर्ट।